अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के प्रैक्टिकल में हम मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड के बारे में बात करेंगे और इस प्रैक्टिकल में मेरे साथ देंगे इमरान, बिलाल और किरण। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक सर। आप कैसी हैं? सर, मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? इमरान, मिसिबल वो लिक्विड होते हैं जो मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं और होमोजीनियस सोल्यूशन बनाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो एक फेज में हो, मिसाल के तौर पर वाटर और एथेनॉल। इसके बरक्स इमिसिबल मिक्सचर वो लिक्विड होते हैं जो हल नहीं होते और हल हो जाए तो दो लेयर्स बनाते हैं और उनके दोनों लिक्विड्स के दरमियान एक बाउंड्री होती है। सर, ये तो एक मुहावरा भी है कि ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, तो अगर हम बीकर में पानी लें और उसमें कुकिंग ऑयल डिजोल्व करना चाहें तो बीकर में दो लेयर्स बन जाएंगी, यानी कुकिंग ऑयल पानी में डिजोल्व नहीं होगा। बिलाल, आपने इमिसिबल लिक्विड की बहुत अच्छी मिसाल दी है। इसकी वजाहत मैं कुछ इस तरह करूंगा कि एक लिक्विड किसी एक लिक्विड के साथ मिसिबल हो सकता है जबकि दूसरे लिक्विड के साथ इमिसिबल। मिसाल के तौर पे पानी और शरबत मिसिबल हैं और पानी और ऑयल इमिसिबल। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम टू सॉलिड्स को मिक्स करें तो हमें लिक्विड सॉल्यूशन हासिल हो जाए? जी किरण, ऐसा मुमकिन है। पोटेशियम सोडियम अलॉय इसकी एक अहम मिसाल है। पोटेशियम और सोडियम वैसे तो रूम टेम्परेचर पे एक सॉलिड मेटल की सूरत में होते हैं, मगर जब इनको एक खास तरीके से मिलाया जाए कि इसमें 10-50% सोडियम शामिल हो तो ये लिक्विड सॉल्यूशन में बदल जाता है। फिर जब बिलाल ने पानी और कुकिंग ऑयल की अहम मिसाल दी है कि ये डिसॉल्व नहीं होते, ऐसा क्यों है, ये हल क्यों नहीं होते? इमरान, असल में इथेनॉल पानी में इसलिए हल हो जाता है क्योंकि इथेनॉल और पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जबकि कुकिंग ऑयल और पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, लिहाजा वो इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम प्रोसीजर को मजीद डिस्कस करें, हम चल के देख लेते हैं एक नजर कि मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। मिसिबल लिक्विड्स आसानी से हल हो जाते हैं और होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। मिसिबल लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स हल करने पर हल नहीं होते और डबल लेयर बनाते हैं और इन लिक्विड्स के दरमियान एक बाउंड्री मौजूद होती है। इमिसिबल लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करें, एक नजर देख लेते हैं अपरेटस को। हमारे पास एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर मौजूद है, साथ में हमारे पास है ग्रेजुएट सिलेंडर, दो ग्लास रॉड्स, इथेनॉल, कुकिंग ऑयल और 200 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीकर्स। सबसे पहले हम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीकर में 20 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे दोनों बीकर्स जो इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल हो रहे हैं वॉश हुए हुए हों और खुश्क हो। इसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसको ग्लास रॉड की मदद से अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इस बीकर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये हल हो जाए। सर, बीकर में कुकिंग ऑयल और पानी अलग अलग लेयर्स में नजर आ रहे हैं। सर, इसका मतलब है कि ये एक इमिसिबल लिक्विड है क्योंकि पानी और ऑयल के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं किया। जी करत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सर, हम ये किस तरह साबित करेंगे कि लिक्विड एक दूसरे में हल हो जाते हैं? जी बिलाल, इसके लिए हम एक 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक और बीकर लेंगे और इसमें 20 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। इसके बाद हम इथेनॉल लेंगे 20 क्यूबिक सेंटीमीटर अब हम इथेनॉल को पानी में डाल देंगे और इसको ग्लास रॉड की मदद से अच्छी तरह मिला लेंगे। सर, पानी तो आसानी से अल्कोहल में हल हो गया और दोनों लिक्विड यकजा हो गए। जी सर, किरण ठीक कह रही है, दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, चल के देख लेते हैं एक नजर ऑब्जर्वेशन चार्ट के, कौन से लिक्विड मिसिबल हैं और कौन से इमिसिबल। तो स्टूडेंट्स, आज का प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ और इस प्रैक्टिकल से हमें यह नतीजा अख्ज होता है कि पानी और इथेनॉल
मिसेबल लिक्विड है और ऑयल और पानी इमिसेबल लिक्विड है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। एक नजर डाल लेते हैं रिकैप पे। आज के प्रैक्टिकल में हमने मिसेबल और इमिसेबल लिक्विड्स के बारे में सीखा। सबसे पहले हमने एक 250 सेंटीमीटर क्यूब हजम के एक बीकर में 25 सेंटीमीटर क्यूब पानी और उतनी ही मिकदार में कुकिंग ऑयल शामिल किया और हमने देखा कि ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में हल नहीं हुए और इन्होंने दो अलहदा लेयर्स बना ली। फिर हमने एक दूसरे बीकर में 25 सेंटीमीटर क्यूब पानी और 25 सेंटीमीटर क्यूब एथेनॉल शामिल किया और हमने ये देखा कि दोनों आपस में हल हो गए हैं। और आखिर में हमने ऑब्जर्व किया पानी और ऑयल इमिसिबल लिक्विड्स हैं जबकि पानी और इथेनॉल मिसिबल हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे खुदाफिज कहने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये बात तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पेंट वर्कर्स यानी हमारे घरों की दीवारों पर पेंट करने वाले अपने काम के दौरान केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं और जब ये ऑयल इनके हाथ पे लग जाता है तो सोप से साफ करने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पे क्लीन नहीं होता। तो आप ये बात बता सकते हैं कि पेंट वर्कर्स अपने हाथ से केरोसिन ऑयल की स्मेल खत्म करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। Ooh.